नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल WNN न्यूज पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी होता है स्वाइन फ्लू, जाने बचाव करने के आसान तरीके। स्वाइन फ्लू वायरस इन दिनों अपना भारी प्रकोप दिखा रहा है। देश के कई हिस्सों में इसके मरीज देखे जा रहे हैं। ऐसे में देश भर के कई डॉक्टर्स ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि स्वाइन फ्लू बच्चों को बहुत तेजी से अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में इसके लक्षणों में से अगर दो भी किसी बच्चे में दिखे तो बिना लापरवाही किए तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। आज हम आपको बच्चों में स्वाइन फ्लू के लक्षण और कारण और इससे बचने के उपाय बताएंगे। स्वाइन फ्लू का वायरस बेहद संक्रामक है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत तेजी से फैलता है। जब कोई खांसता या छींकता है तो छोटी बूंदों में से निकले वायरस कठोर सतह पर आ जाते हैं, जिस पर ये वायरस 24 घंटों तक जीवित रह सकता है। आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यदि आप इन संक्रमित बूंदों के बीच सांस लेते हैं तो बूंद करीब 1 मीटर 3 फीट तक पहुंचती है। जब कोई खांसता है या छींकता है तो छोटी बूंदें थोड़े समय के लिए हवा में फैल जाती है और बाद में किसी सतह पर बैठ जाती है। हवा में फैली हुई बूंदें किसी भी इंसान को संक्रमित कर सकती है। यदि वो संक्रमित बूंदों को अपनी सांस के भीतर लेता है तो वो इसका शिकार हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि पीड़ित बच्चों की देखभाल कैसे करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा स्वाइन फ्लू से पीड़ित है तो बिना देरी किए अपने चिकित्सक से संपर्क करें और डॉक्टर ने जो इलाज बताया है उसे सावधानी पूर्वक करें। यदि आपको लग रहा है कि बच्चे को फ्लू नहीं है लेकिन उसके लक्षण जैसे कि बुखार, कफ, ठंड या उल्टी दिखाई दे रहे हो तो अपने बच्चों को बहुत सारा पानी और अन्य तरल पदार्थ पीने को कहें और अत्यधिक आराम करने को कहे। यदि आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है और उसे कोई गंभीर बीमारी है जैसे कि अस्थमा, दिल की बीमारी, मधुमेह आदि या साथ ही फ्लू जैसी बीमारी भी हो जाए तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए जानते हैं बच्चों का बचाव करने के अन्य तरीके। लोग बच्चों के चीजों को साफ रखना भूल जाते हैं, जैसे उनके खेलने या सामान्य रूप से इस्तेमाल करने वाले सामान या यहाँ तक कि दरवाजे की कुंडी या नॉब, टेबल के ऊपर या बिस्तर के किनारे, फर्नीचर आदि को साफ रखना बेहद जरूरी होता है क्योंकि वहाँ बच्चों का हाथ सबसे ज्यादा जाता है। बच्चों के खिलौने ब्लीचिंग पाउडर के साफ कर देने चाहिए। बच्चों के जीभ साफ करने वाली चीज और ब्रश को भी हमेशा इस्तेमाल कर पहले गर्म पानी से धो लेना चाहिए। बच्चे के नाक और उसके आसपास के जगह की सफाई का भी ध्यान याद करके रखना चाहिए क्योंकि नाक संक्रमण फैलाने का सबसे संवेदनशील जगह होता है। जब भी बच्चे बाहर से आए तो गर्म पानी में भिगोए हुए नैपकिन और नरम कपड़े से नाक और नाक के भीतर अच्छी तरह से साफ कर दें। विटामिन ए और सी से भरपूर खाद्य वायरल के संक्रमण के संभावना को कुछ हद तक जरूर कम करते हैं। इसलिए बच्चों को फलों में संतरा, मीठा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, आंवला और रंगीन सब्जियों में कद्दू, मीठा आलू, गाजर और बीटरूट आदि को खिला सकते हैं। विटामिन सी ड्रॉप देकर काम किया जा सकता है। जिंक शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करने में बहुत मदद करता है, जिससे फ्लू और दूसरी बीमारियों से बच्चों को कुछ हद तक दूर रखा जा सकता है। बच्चों को जिंक युक्त खाद्य जैसे सेरल, नट्स, कद्दू, मशरूम और तिल आदि खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर के सलाह के अनुसार जिंक सप्लीमेंट भी आप दे सकते हैं, जैसे नीम, तुलसी, हल्दी, मुलेठी के साथ थोड़ा सा ऑलिव और काली मिर्च का पाउडर डालकर काढ़ा बनाना चाहिए क्योंकि ये काढ़ा सभी उम्र के बच्चों के लिए लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया 5 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वाइन फ्लू से बचाव करने के आसान तरीके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।